हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ आर के रंजन, अपने यूट्यूब चैनल एस के साइंस क्लासेज में। आज हम देखेंगे गणित का एक चैप्टर का नाम है हमारा त्रिकोणमिति, जो कि हमारे क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें एक आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात आज हम ज्ञात करना सीखेंगे इस वीडियो में, ठीक है? चलिए हम चलते चलते आपको वीडियो में आपको हम बताएंगे कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, ठीक है? देखिए, पहले तो हमको प्रत्येक का ज्ञात करना है। पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और प्रत्येक को हमें ज्ञात करना है। और प्रत्येक को हम क्या लिख देंगे? 0, 1, 2, 3, 4, और प्रत्येक के बटे में 4 से भाग दे देंगे। प्रत्येक में 4 से भाग दिए, उसके बाद हम रूट चढ़ा देंगे इस पर। रूट चढ़ा दिए, रूट चढ़ा दिए, रूट चढ़ा दिए, रूट चढ़ा दिए, इस पर रूट चढ़ गया, ठीक है? उसके बाद 0 में हम 4 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0, और 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0, ठीक है? 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1, और 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। उस तरह से ये 2 से हमारा 4 दो बार में कट गया। ऊपर कितना बचा? हमारे 1, और नीचे कितना होगा? हमारे 2, और 1 का वर्गमूल हमारा कितना होता है? 1, और 2 का वर्गमूल लिखेंगे इसको बटा में √2 लिख देंगे, ज्यों का त्यों, ठीक है? अगला हम देख रहे हैं, √3 का वर्गमूल निकलेगा? जी नहीं निकलेगा, तो √3 ज्यों का त्यों, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा? 2। ये 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, यानी कि 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। अब देखिए, ये जो हमारा मान निकला ये sin θ का मान हो गया। sin 0 डिग्री में कितना होता है? 0 हो जाएगा। sin 30 डिग्री में हो जाएगा हमारे 1/2। 45 डिग्री मान हो जाएगा 1/√2, और 60 डिग्री मान हो जाएगा √3/2, और 90 डिग्री मान हो जाएगा हमारा 1, ठीक है? अब इसको जो हम इधर से लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, तो ये हमारा जो होगा ये cos θ का मान हो जाएगा। इसको यहाँ से लिखते हैं 1/√3/2, 1/√2, ये हमारा 1/2, और फिर 0, ये हमारा हो गया cos θ का मान। और हमें ज्ञात करना है tan θ का मान। तो tan का एक सूत्र होता है, जो कि tan का सूत्र होता है tan θ बराबर sin θ/cos θ, ठीक है? तो इसी पर हम लगाएंगे, हमारा कितना है? 0/1। 1 से 0 में जब भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा? 0। फिर हम 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 2 से 2 खत्म, 1/√3 हो जाएगा, तो इसमें 1/√3। 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे कितना होगा? 1। हमारे इसका मान कितना होगा? 1। इसको हम भाग देंगे √3/2 को भाग देंगे हम 1/2 से, 1/2, 2 से 2 खत्म, यानी कि √3 बचा। कितना बचा? √3। अब 1 में 0 से भाग नहीं देता, इसे बोलते हैं हम अपरिभाषित इन्फिनिटिव। ये हमारा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। इसका नाम है अपरिभाषित, जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, ठीक है? अब हमें लिखना है cos θ का मान। जब cos θ का मान लिखेंगे तो बस इसको उल्टा कर देंगे, अंत में क्या है? इन्फिनिटिव, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? इन्फिनिटिव। उसके बाद क्या है? √3, तो इसमें हो जाएगा हमारा √3। 1, 1, उसके बाद 1/√3, उसके बाद 0, ठीक है? अब हमें ज्ञात करना है sec θ का मान। तो sec θ का मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र लगाना पड़ेगा, जो उस सूत्र का नाम है हमारा, उस sec θ का सूत्र होता है 1/cos θ, ठीक है? अब हम निकालना है हमें 0 डिग्री, तो cos 0 में कितना मान है? 1। cos 0 डिग्री में मान, तो 1/ में cos θ में कितना है? 1, तो 1, यानी कि sec θ 0 डिग्री में कितना होगा हमारा? 1। इसमें क्या लिखेंगे? 1। उस तरह से फिर 30 डिग्री में निकालेंगे, तो cos 30 डिग्री में कितना है? √3/2, तो 1/√3/2, 2 ऊपर चला गया है 2/√3, इसमें कितना होगा? 2/√3।
रूट तीन। ठीक है, अगर हमें निकालना है उस तरह से सेक 45 डिग्री मतलब से कॉस 1/2 कोष्ठ है वह सूत्र इसका, तो 1/2 रूट दो यानी कि रूट दो 1/2 ये हमारा ऊपर चला जाएगा यानी कि रूट दो 1/2 यानी कितना हमारा रूट दो होगा। तो हमारे इसमें कितना भरेगा रूट दो। अब हमें ये ज्ञात करना है, इसको भी करेंगे तो 1/2 तो दो कहाँ चला जाएगा ऊपर यानी कितना होगा दो, इसमें कितना होगा दो। और हमारा 1/0 तो 0 में 1 से भाग नहीं दे, इसको क्या बोलते हैं अपरिभाषित इन्फिनिटी। ठीक है, अब कौश थीटा का मान लिखना है तो हम क्या करेंगे इसको सीधे उल्टा उल्टा लिख देंगे, पहले कितना है इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव, उसके बाद दो दो रूट दो रूट दो 2/√3√3 उसके बाद कैसी है, ये हमारा क्या हो गया पूरा का पूरा टेबल बन गया। ठीक है, अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर जल्दी से सब्सक्राइब करें। एसके साइंस क्लासेज, जी मैं हूँ आर के रंजन।